रोगे फिर फिर जोनी पर अनेका रोग नहीं पर सब तो वड्डा जिहड़ा रोग है ना वो रोग है हंकार का हौमे का सब तो वड्डा रोग हौमे का है। महाराज ने आसा की वार दे विच भी वचन कहा महाराज ने जे हौमे दीर्घ रोग है दारू पी इस मां हौमे दीर्घ रोग है वड्डा रोग हंकार का रोग बहुत वड्डा है हंकार के रोग करके मनुख परमेश्वर नाल दूर हो जाता है हंकार के रोग करके निंदिया का रोग आता है हंकार के रोग करके ईर्खा आती है हंकार के रोग करके मोह आता है हंकार के रोग करके लोभ आता है इदां कह लिए सारे रोगों का सरदार हंकार है हौमे है महाराज कहते हौमे दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे इहदी दवाई भी इहदे विच है इहदी मेडिसिन भी इहदे विच ही है की है इहदी दवाई महाराज कहते कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए गुरु दे शब्द की कमाई हंकार दे रोग की दवाई इत्थे महाराज ने जो वचन कहे मेरे राम हर जन परोग पए हरी दे जन जिहड़े परोग हो गए कदे तो परोग हो गए हंकार दे रोग हौमे दे रोग तो अरोग हो गए बीमारी तो अरोग हो गए क्यों गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हर जिन्ना ने गुरु के बचना जपिया जिन्ना ने परमात्मा आराध्या अकाल पुरख नू ध्याया सिमरिया महाराज कहते तिनके हौमे रोग गए उन्हों का हंकार का रोग मिट गया हौमे का रोग मिट गया महाराज कहते हौमे हंकार केवल से केवल गुरु शब्द की कमाई केवल से केवल गुरबाणी जुड़िया गुरु शब्द न जुड़िया ही मिटता है हौमे होर तरीके नहीं मिट सकती जिन्ना मर्जी यत्न कर लीए मनुख हौमे फसता जाता है ग्रस्त आ जाता है हौमे तो अगर कोई बचा सकता है तो फिर गुरु का शब्द है और एक गल चेते रखो जिन्ना चिर साडे अंदर हौमे है ना असी जो मर्जी कर लीए जिन्ने मर्जी धर्म कर्म कर लीए जिन्ने मर्जी दान पुन कर लीए जिन्ना मर्जी जप तप कर लीए सब कहते सब व्यर्थ चलिया जाता है हौमे सब व्यर्थ कर दी महाराज सच्चे पातशाह कहते जब तक मेरी मेरी कराए तब तक काज एक निसर है मनुख जप तप करता है कद नहीं मेरा काम बन जाए बाणी पढ़ता है कद मेरा काम बन जाए पातशाह कहते पर कार्य का तां सवरन गए जे हौमे जाए जिन्ना चिर हौमे करी जाने उन्ना चिर कार्य भी मैं सवरन गए नहीं सवर सकते परमात्मा साडे कोल है साडे नेड़े है साडे सामने है पर सानू नजर क्यों नहीं आ रहा यही कारण है हौमे हंकार भगत रामदास जी का वचन पढ़ लो भगती जब हम होते तब तू नाही जिन्ना चिर साडे अंदर हम है मैं है हंकार है उन्ना चिर परमेश्वर जी तेरी सोझी नहीं आ सकती तू साडे कोल ही है साडे विच ही है पर सानू सोझी तां नहीं आ रही साडे अंदर हंकार भरिया है साडे अंदर हौमे भरी है महाराज कहते जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही जदों हंकार चलिया गया फिर हुण सारे पासे तू ही नजर आ रहा तेरे तो बिना नजर ही कोई नहीं आ रही एक छोटी जी इतिहास की मैं उदाहरण देना आप जी के सामने आप जी नूं ज्ञान है पता है कि धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सुल्तानपुर लोधी की धरती से मोदी खाने की कार की है मोदी खाने विच मोदी की कार की है किरत की है उत्थों दा नवाब सी दौलत खां नवाब का नाम सी दौलत खां जदों गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह सौदा दिंदे सन ना किसे नूं भी सौदा देना उस मोदी खाने दे विच्चों ते महाराज हमेशा इह कहिंदे सन तेरा है इह भी तेरा है कदे उन्हां ने मेरे मेरे विच नहीं फसे कदे मेरा नहीं किया गया मेरा आया मेरा है बस फर्क इत्थी है मनुख मेरा मेरा करदा रहिंदा ते गुरु तेरा तेरा सिखाउंदा है ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ
जिन्होंने मेरी मेरी की फर्क पै गया। गुरु नानक पातशाह कहते तेरा ही तेरा है सब। जो हम आप ही पता है भी राह ऐसा है जिथे जे चाली जाने थोड़ी वड्याई करने वाले चार जाने निंदा करने वाले भी आ निंदा करने वाले भी हम निंदा करने वाले ने ईरखा करने वाले ने शिकायत कर दी भी थोड़ा जी जरा मोदी है ये मोदी खाना उजाड़ी जाता है ये सौदा एवं तोली जाता है। फिर जी इंस्पैक्शन हुई फिर देख रेख की सारा कुछ तो पहली बारी च गुरु नानक साहब के बल 360 रुपये बने सन उस वेले। फिर महाराज को रखा गया फिर महाराज ने उतना ही तेरा ही तेरा करके सौदा तोड़ के दिता। फिर जो फिर फिर महाराज की शिकायत हुई फिर महाराज सच्चे पातशाह की जान पड़ताल हुई फिर वादा निकल गया। ते फिर जो तीजी बारी महाराज ने होनिया कम करना हूँ कम छड़ दिता जो तुरन लगे ना उतों दौलत खां लोधी ने कहा कहते बाबा जी असि तो ता कह रहे थे तुम तेरा ही तेरा करके इदा ही तोड़ के ले जाने सौदा कितने मोदी खाना उजड़ ना जाए। गुरु नानक पातशाह ने बचन कहे सन दौलत खां एक गल चेते रखी जिधर उजाड़ा पैंदा है मेरी मेरी करके पैंदा है तेरी तेरी तेरे तेरे करके ते वसीदा है तू तू करके ते वसीदा है मैं करके उजाड़ा पैंदा है। अज मनुख दे हालात क्यों दुखी है क्यों ये आपस में झगड़िया पे क्यों विवादा पे है क्यों एक दूजे की विरोधता है इसे करके मेरी गल के सारा चक्कर से सारा मेरी दर हमें दर चक्कर से सारा हमें दर है। आपस में लड़ाइया क्यों ने हमें करके आपस में बखरेवे क्यों ने हमें करके आपस में बोलचाल घट क्यों है हमें करके भी ओद को मेरे को घट क्यों मेरे को वे को इस करके हमें ही है ना सब पातशाह कहते जो हमें मिट जाएगी तो परमेश्वर मिट जाएंगे। इस करके जो परमेश्वर के सेवक ने जो जन ने जो दास ने वो अरोग हो गए उन्होंने ये रोग नहीं व्यापता उन्होंने हमें नहीं व्यापती उन्होंने हंकार नहीं व्यापता क्योंकि वह निम्रता में ने निमाणिया तू मान निमाणिया का मान है उन्होंने अंदर निम्रता है। देखो जी निम्रता है ना गुरु नानक पातशाह के बचन ने महाराज कहते मिठत नीम नानका गुण चंगियाईया तत् सारे जिन्या मर्जी चंगियाईया कर लो एक हंकार का फिरका सारिया चंगियाईया नाश कर देगा। जिन्या मर्जी चंगियाईया कर लो एक हंकार का माड़ा जहा फिरका माड़ा जहा होमे आ गया सारा कुछ नाश हो जाएगा। जे निम्रता रखिए निर्माणता रखिए फिर वड्डी तो वड्डी मुश्किल भी हल हो जाती है। मिठत नीमी नानका गुण चंगियाईया दस महाराज ने कानू क्या कहते सिखा एक गल चेते रखी नीचा अंदर नीच जात नीची मूह अंत नीच नानक चिंतक संग साथ गुरु नानक उन्होंने नाल है जिन्होंने अंदर निम्रता है हमें तेन दूर कर देगी निम्रता तेन नेड़े ले आएगी। हुण दसो गुरु नानक साहब भाई कालो के घर गए मनक भागो का घर छड़ दिता क्यों गए क्योंकि भाई बाबू के अंदर निम्रता से मलक भागो आवाजा मारता रहा बाबा जी मेरा भोजन छक लो मेरा 36 प्रकार का पकवान ताजा बनया हो छक लो महाराज कहते असी तेरा पकवान नहीं छकना सानू भाई बाबो की कोदरे की रोटी चंगी लगती है कोदरे का प्रसाद चंगा लगता है क्योंकि ये अंदर निम्रता है ये अंदर हक की कमाई है तू हंकार के हौमे के सारे नगर से ढंडोरा सवा दिता इस मेरे घरे लंगर है आओ चक ये हंकार नहीं करना ये सानू भी समझ की लोड़ है सानू भी समझ की लोड़ है असी बड़े तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं करो जरूर पर एक गल चेते रखियो हंकार चना सेवा करो वध तो वध सेवा करो जिन्नी हो सकती है सेवा करो पर एक गल नोट रखियो दिमाग दे विच भी असी भाई लालो वांगू सेवा करिए मलक भागो ना मनी
जे मर तो भागो बन गए, जे भाई लालो बन के आवाज मारा गे आए, भाई लालो बन के आवाज मारा गे आए, अरदास करके महाराज जो कुछ तू बख्शिया प्रमाण कर ले, प्रमाण कर लेगा। जे मलक भागो वांगू कहेगा मैं ते सच्ची प्रकार के पकवान तैयार किए, मैं तैयार कर दिता, महाराज सच्चे पातशाह गए, सानू भी चेते रखना, कोई भी कार्य करिए हाँ मैं सब कुछ नाश कर दूंगी। एक छोटी जी उदाहरण दिया, वड्डा सारा बालन का ढेर, बालन किड्डा हुंदा, वड्डा बालन का ढेर, उनू साड़न वास्ते सिर्फ एक तीली ला दियो अग दी, सब कुछ सड़ गया। जिन्ना मर्जी जप कर लीए, तप कर लीए, नेम कर लीए, कर्म धर्म जो मर्जी कर लीए, निक्की जी हंकार की चिंगारी आई उन्हें सब कुछ नाश कर देना, निक्की जी हंकार की चिंगारी। हुण वेखो सतगुरु धन गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह संसार नूं तारदियां, दुनिया नूं तारदियां होइआं गुरु सवारियो वक्त थां ते प्रचार करन गए, वक्त वक्त थां ते महाराज ने प्रचार किया, ते महाराज सच्चे पातशाह ने आसा दी वार दी बाणी उच्चार की। आसा दी वार दे विच इक वचन आउंदा जी, महाराज कहिंदे हौं विच आया हौं विच गया, हौं विच जमिया हौं विच मुआ, सारा कुछ हंकार की करी जांदा, रब किवें मिले, परमात्मा नाल सांझ किवें बणे, सारा कुछ ते हंकार की करी जांदा, जन्म का भी हंकार च, मर का भी हंकार च, कम भी हंकार च करदा है, सारा कुछ हौं विच आया हौं विच गया, हौं विच जमिया हौं विच मुआ, हौं विच दित्ता हौं विच लिया, हौं विच छटिया हौं विच गया, हौं विच सत्यार पूरियार, हौं विच पाप पुन विचार, हौं विच नरक सुरग उतार, हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भलिया हौं विच धोवै, हौं विच जाति जिनसी खोवै, हौं विच मूरख हौं विच सियाणा, मोख मुगत की सार न जाणा, हौं विच माया हौं विच छाया। अगे की कहा महाराज ने, कहिंदे हौमै कर कर जन पाया, हौमै कर कर हौमै बूझै हंकार बुझेगा तां दर की सूझी आनी है, हौमै बुझे तां दर सूझे ज्ञान मिटना कर सकू, नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा दिखै। सतगुरु पातशाह कहते हौं विच माया हौं विच छाया हौं मैं कर कर जन तो पर